बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जनरल साइंस बुक्स एंड कॉपीज। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चंस, रिटन वर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 राइट करेंगे। सो आप लोग पेज रेडी कर ले, अगर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे जगह है तो उसी पेज पे स्टार्ट कर ले, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज रेडी कर ले। गिव हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, व्हाट बॉडी पार्ट? नंबर 8, डू द लिविंग थिंग्स मीन के ए वाले बॉडी पार्ट्स है यूज़ फॉर रिस्पायरेशन, कि कौन से लिविंग थिंग कौन सा पार्ट यूज फॉर रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको आप लोग नीटली राइट कर लें। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, व्हाट बॉडी पार्ट डू द लिविंग थिंग यूज फॉर रिस्पायरेशन? नंबर ए नोज, गिल्स, स्पायरिकल्स, स्टोमेटा, मॉइस्ट बॉडी सरफेस, नॉस्ट्रल्स। नंबर बी ट्राउट, क्रिकेट, रैट, फ्रॉग ऑन अ लॉग, टैडपोल्स, ऑक ट्री। ये आप लोग नीटली राइट कर ले, डबल अंडरलाइन करें और फिर आंसर हेडिंग दे दे और लीव लाइन एंड गिव। आप लोग, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ा, आप लोग लाइन छोड़े और आंसर हेडिंग दे दे। आंसर हेडिंग के बाद लाइन छोड़ के मिड लाइन ड्रॉ कर ले और एक साइड पे हेडिंग दे दे लिविंग थिंग्स, दूसरी साइड पे बॉडी पार्ट्स फॉर ऑफ रिस्पायरेशन के, ये लिविंग थिंग्स ये वाले बॉडी पार्ट्स रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड ड्रॉ मिडिल लाइन ऑन वन साइड, राइट आंसर रेट। सो रेट यूज नोज और नोस्ट्रल्स, रेट लिख के और दूसरी साइड पे इसके फ्रंट में लिख के नोज नोस्ट्रल्स। देन नंबर 2 ट्राउट, ट्राउट यूज गिल्स, सो राइट ट्राउट गिल्स। नंबर 3 स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स आर टाइनी होल्स विच इंसेक्ट्स आर यूजिंग, सो इन फ्रंट ऑफ स्पायरिकल्स राइट क्रिकेट, स्पायरिकल्स क्रिकेट। नंबर 4 ऑक ट्री, स्टोमेटा, वी नो दैट प्लांट्स आर यूजिंग स्टोमेटा, लीव्स में स्मॉल होल्स होते हैं स्मॉल, तो ये स्टोमेटा है जो जिनके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ऑक ट्री स्टोमेटा, STOMATA स्टोमेटा। नंबर 5 टैडपोल्स, टैडपोल्स यूज मॉइस्ट बॉडी सरफेस, मीन कि टैडपोल्स जो हैं ये स्किन यूज करते हैं। नंबर 6 नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स यूज ये यहाँ पे आप लोग राइट कर ले, यहाँ पे करेक्टली आप लोग राइट कर ले, फ्रॉग एनालॉग यूज नोस्ट्रल्स, जो टैडपोल्स है वो मोस्ट बॉडी सरफेस यूज़ करते हैं और फ्रॉग जो है वो नोस्ट्रल यूज़ करता है फॉर ब्रीथिंग, फॉर रिस्पायरेशन। क्लियर? रेड नोज और नोस्ट्रल्स, ट्राउट गिल्स, स्पायरिकल्स क्रिकेट, ऑक्ट्रीज टोमेटा, टैडपोल्स मोइस्ट बॉडी सरफेस एंड फ्रॉग एनालॉग यूज नोस्ट्रल्स फॉर रिस्पायरेशन आफ्टर दिस थ्रो हाफ फिनिशिंग लाइन। And then give heading of question number 4 on the next line. In the next line, question number 4 is, how do birds, reptiles and insects reproduce? के birds, reptiles और insects किस तरह इनमें reproduction होती है, किस तरह ये reproduce होते हैं? So give heading of leave line and after this give heading of answer. Question neatly write कर ले, how do birds, reptiles, reptiles, reptiles and insects reproduce? Question mark, leave line and give heading of answer. Birds, reptiles and insects lay eggs from which babies hatch. ये eggs lay करते हैं, इनकी reproduction किस तरह होती है, कि ये eggs lay करते हैं जिससे babies hatch out होते हैं, निकलते हैं। So write neatly the answer. Birds, reptiles and insects lay eggs from which babies hatch. After the H-A-T-C-H, hatch. After this, draw half finishing line and give heading of question number 5. In the next line, question 5 is, this is short question number 5. What are the seven functions of living things? Living things ki saath kya khususiyat hai jo ki non-living things se usko change banati hai. So write neatly question number 5, what are the seven functions of living things? After ये blue marker के साथ question neatly write कर ले, underline कर ले और फिर leave line and give heading of answer in the next line in capital. All living things move,
वी नो कि ये मूव करते हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, वाटर की तलाश में. ग्रो, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ये बढ़ते रहते हैं. नंबर थ्री, टेक इन फूड, एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड क्योंकि वो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. सो नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज टेक इन फूड. नंबर फोर, रिस्पायरेशन, हम कर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन और ऑक्सीजन एक्सहेलेशन करते हैं तो ये लिविंग थिंग्स रिस्पायर. नंबर फाइव, प्रोड्यूस वेस्ट, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है. नंबर सिक्स, हैव अ सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं टू देयर एनवायरनमेंट, उनको गर्मी सर्दी सारे चेंजेस फील होते हैं. नंबर सेवन, रिप्रोड्यूस, उनकी नस्ल बढ़ती है, उनकी रिप्रोडक्शन होती है. तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच दे मेक देयर कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, कि वो अपने तरह के कॉपीज बनाते हैं. सो गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द सेवन फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स. आंसर, ऑल लिविंग थिंग्स नंबर वन मूव, नंबर टू ग्रो, नंबर थ्री टेक इन फूड, कॉमा नंबर फोर रिस्पायर, RESPIRE रिस्पायर, नंबर फाइव रिड्यूस वेस्ट, नंबर सिक्स हैव सेंसिटिविटी SENSITIVITY सेंसिटिविटी, नंबर सेवन रिप्रोड्यूस, कि ये सारे सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स है के है. तो आप लोग नीटली राइट कर ली, स्पेलिंग्स नीटली करेक्टली राइट कर ली, एंड डू नीट टाइडी हैंड राइटिंग, देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक इन योर कॉपीज, एंड आफ्टर दिस ड्रॉ फुल फिनिशिंग लाइन. इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस फिनिश हो गए. आज हमने राइट किए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्लियर, ये वाला क्वेश्चन, इसका ये आंसर आज हमने राइट किया है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डू बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड रिप्टाइल्स रिप्रोड्यूस, बर्ड्स रिप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस. आंसर इज, बर्ड्स रिप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच. नंबर फाइव, व्हाट आर सेवन फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स. सो आंसर इज, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, टेक इन फूड, रिस्पायर, प्रोड्यूस वेस्ट, हैव सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूस. ये सेवन कैरेक्टरिस्टिक है. इसके साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस राइट करेंगे.